आपका क्या नाम है? हुसन बानो। देखिए ये अम्मा है हुसन बानो, गांव कुछेजा नुपसेर विधानसभा जिला बुलंदशहर से, और ये कह रही है कि मेरी आधार कार्ड भी है और मैं जीवित भी हूं और पहचान पत्र भी होने के बावजूद, लेकिन इनकी वोट पे जो है इनकी वोट पे डिलीट लगा दिया गया कि इन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया है, और ये चुनाव आयोग इस पे क्या षड्यंत्र माना जाएगा और क्या चीज है? देखिए अम्मा जी, आप वोट डालने गई थी क्या? वोट डालने गई लेकिन वोट नहीं डली आपकी। क्या कह दिया कि आप मरी भी घोषित कर दिया आपको? मरी भी घोषित कर दिया और इनका जो है मतदान नहीं हो पा रहा है और ये परेशान है। इसी तरीके से ये देखिए पूरा जमा अपना लगा हुआ है और ये सब लोग इसी तरीके से हैं, और ये मेरी ये देखिए महिला है, ये सब हाथ उठा के कह रही है, और ये देखो इनकी। आपका क्या नाम है? आसमा, आपकी कितनी वोट है? 9 वोट में। देखिए ये कह रही है आसमा जी कि 9 वोट में से मेरी 1 वोट आई है गांव कुछेजा अनुपसैर विधानसभा में। इस तरीके का ये सब महिलाएं और ये नौजवान साथी और सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की ये चाल है, बीओलो की कमी के है। और ये देखिए ये क्या नाम है आपका जी? सलमा। ये देखिए सलमा जी है या गाँव कुछेजा से, आपका क्या परेशानी है? परेशानी वोट की। इनके घर में 8 वोट है। देखिए ये कह रही है क्या कह जी, 4 वोट आई है और 4 नहीं आई है, कुछ ऐसा कह रही है और कुछ ऐसा कह रही है, और ये अम्मा इनकी देखिए 8 वोट है, ये 5 आई है, ये गांव कुछ है 11 वोटों में से इस तरीके का चल रहा, और ये सभी देखिए नौजवान किसी की वोट नहीं आई है, और 25 साल तक के ये युवा है इधर। ये देखिए 9 वोट बता रही है, 5 वोट आई है, इस तरीके की कमी चल रही है ये जिला बुलंदशहर अनुपसैर विधानसभा में और आसपास के सभी गांवों में ये शिकायत मिल रही है। ये देखिए ये हमारे नौजवान साथी हैं, 9 वोटों में इनकी छक्का। क्या नाम है आपका? 9 वोट है आपकी और 3 वोट आई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आयशा नाम है। देखिए आयशा जी, ये क्या कह रहे जी, अभी ये आपके सामने खड़ी हैं और यहीं की हैं, गांव निवासी हैं, लेकिन फिर भी ये आरोप लगा रही हैं क्या बीएलओ की कमी मानी जाए या क्या माना जाए। आप देख सकते हैं ये कह रही हैं, ये हमारी जो है महिलाएं हैं यहाँ, ये कह रही हैं कि आंगनबाड़ियों का षड्यंत्र है, जो आंगनबाड़ी है हमारे यहाँ कुछेजा, ये गाँव कुछेजा में जो आंगनबाड़ी है वो ये सीधा ये कह रही है कि वो बीजेपी के पक्ष में रहती है, इसलिए संशोधन जो होता है उस संशोधन के द्वारा जो है ये वोट कटवा देती हैं, ये सीधा आरोप महिला। हाँ जी, आप जो आरोप लगा रही हैं ये आंगनवाड़ियों पर कह रही हैं आंगनवाड़ी कटवाती हैं वोट, ये आंगनवाड़ी संशोधन जो होता है लिस्ट में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।